And learn and grow better. Kindly show your love. Please like, share, and subscribe the channel and help us to grow more. And don't forget to hit the bell icon so that you never miss any video. Let's get started. Class 7, Chapter 13, Motion and Time, NCRT Question Answer. So let's get started. Question is Figure 13.15 shows a distance time graph. आपको शो हो रहा है ये हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है फॉर द मोशन ऑफ टू व्हीकल दो व्हीकल पर ए लिखा है वो व्हीकल ए के लिए है और जहाँ बी लिखा है वो व्हीकल बी के लिए है अब बोला है यहाँ पर विच वन ऑफ देम इज मूविंग फास्टर कौन ज्यादा फास्ट मूव कर रहा है तो फास्ट मूव करना या स्लो मूव करना ये डिपेंड करता है किसके ऊपर स्पीड के ऊपर आपको पता है ऑलरेडी जब आप बहुत ज्यादा लेट हो रहे होते हो तो आप कहते हो ना थोड़ा जल्दी चलाओ थोड़ा जल्दी चलाओ थोड़ा जल्दी मूव करना है तो यहां पर जल्दी चलाने का मतलब क्या होता है स्पीड जो है इंक्रीज करना और जब हम बहुत ज्यादा स्लो मूव करते हैं तब हमारी स्पीड जो है डिक्रीज होती है तो अब स्पीड इंक्रीज करना यानी कि उसी डिस्टेंस को कम टाइम पर चलना उसी डिस्टेंस को कम टाइम पर पूरा करना उसे हम क्या बोलते हैं स्पीड इंक्रीज है हमारी हमें कहीं जाना है यानी कि उस डिस्टेंस को अगर हम कम टाइम इंटरवल पर कंप्लीट कर लेते हैं उसका मतलब होता है हमारी स्पीड बहुत अच्छी थी और जब हम उसी डिस्टेंस को ज्यादा टाइम लेकर कवर करते हैं तो हमारी स्पीड क्या थी बहुत ही कम थी तो अब ऐसे जब भी आपको कुछ ऐसा ग्राफ दिया हो तो हमेशा क्या करना है आपको पर्पेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना पर्पेंडिकुलर यानी कि ऐसे डॉटेड लाइन में स्ट्रेट लाइन बना लेनी है इस ए पॉइंट से और नीचे ऐसे मैं आपको दोबारा से इसे अगर ड्रा कर कर दिखाऊँ तो देखो एक बार दोबारा से बताती हूँ ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करा हुआ है ऐसे है तो जैसे हम मान लो ये व्हीकल ए है तो इस व्हीकल ए के पेंडिकुलर ऐसे लाइन बनाकर स्केल से आपको पूरी मेजरमेंट से एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे ऐसे लाइंस बना लेनी है यहाँ होगा हमारा टाइम और यहाँ होगा हमारा डिस्टेंस अब दूसरा व्हीकल है ये व्हीकल अब यहाँ से फिर दोबारा उसके पॉइंट से ये पॉइंट है ना ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से ऐसे पेंडिकुलर लाइंस बनानी है और यहाँ ऐसे अब आपको पता चल रहा है ये ए व्हीकल है और ये वाला कौन सा है बी व्हीकल है अब ए व्हीकल ने ज्यादा डिस्टेंस कवर करा कम टाइम में बी व्हीकल ने कम डिस्टेंस कवर करा ज्यादा टाइम में तो अब बताओ किसकी स्पीड ज़्यादा है तो हमने क्या पढ़ा था जो ज्यादा डिस्टेंस कवर करे कम टाइम में तो ज्यादा डिस्टेंस किसने कवर करा ए ने कवर करा क्योंकि ए जो है वो बी के ग्राफ से पहले के ऊपर आ रही है वो ज्यादा इंक्लाइन बी जो है ज्यादा इंक्लाइन है ए जो है वो क्या हो रहा है ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है कम टाइम में और बी जो है कम डिस्टेंस कवर कर रहा है ज्यादा टाइम में तो यहाँ पर हमारा बहुत इजिली शो हो रहा है कि मूविंग व्हीकल ए इज मूविंग फास्टर देन व्हीकल बी दिस इज द आंसर ऐसे आपको तीन लाइन्स भी दी हो सकती है तो बहुत इजीली आपको डिस्टेंस और टाइम को रिलेट करते हुए बताना है कि विच ऑफ द व्हीकल मूव्स फास्टर थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल लर्न एंड ग्रो बेटर